ओ बेबी, ओहो, आ, हटो मेरे रास्ते से। रानी साहिबा, सुना है तुम लीडर बनकर सबका प्रॉब्लम दूर करती हो, जरा मेरे दिल का बोझ भी तो हल्का कर दो। तुम तो खुद धरती पर एक बोझ हो, पता नहीं ऊपर वाला तुम जैसी गंदी चीज को क्यों पैदा करता है। तुम जैसी शरीफजादियों को गंदा करने के लिए। अरे भाई धीरे धीरे, नाजुक कलाई है, पलक आ जाएगी। ताकत आजमाने का इतना ही शौक है तो हम है ना। अच्छा, तुझे ताकत देखनी है तो ये देख। हाथों का गलत इस्तेमाल करने की बहुत बुरी आदत है तुझे, कहीं ऐसा ना हो कि खाने और धोने के लिए तू दूसरे के हाथों का मोहताज हो जाए। केविन, प्रिंसिपल आ रहा है। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुझे जरूर बताऊंगा कि कौन किसे मोहताज करता है। कभी भी आजमा लेना। वाह, आज तो तुमने साबित कर ही दिया कि मेरी पसंद 100% सही है। कभी मुझे भी आजमाइश का मौका दो जानी। एक बार इस हाथ को थाम लो, उसके बाद कोई भी इस नाजुक कलाई को छूने की भी। आप कहे तो आपके पैर भी थाम लो। ओहो, लेकिन एक बात बताइए, मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेंगी आप? सिर्फ तुम्हारा दिल। मेरा भी दिमाग खराब हो गया, कहां तुम्हारे मुंह लग रहा हूँ। ठीक है, मुंह ना सही, गले तो लगा लो। ओ गॉड, नो, इसके पागलपन का कोई इलाज नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कुछ खेल खेलना पड़ेगा। आज मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर मेरे आसपास नहीं फटेगी। वो आ रही है, चल लिख लिख लिख। हाँ। अबे ये क्या है? हैं? तेरा हैंडराइटिंग तो डॉक्टर से भी खराब है। हाँ? इसे तो कोई कंपाउंडर भी नहीं पढ़ पाएगा। क्या हो रहा है? Can I help you? No thanks. अरे लिखने दे यार, पूजा की राइटिंग पूजा की तरह खूबसूरत है। Ooh, thank you. क्या लिखना है? Love letter? अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, ये wanted का अनाउंसमेंट लिखना है। Wanted? Wanted कौन है यहाँ पर? देखा, इसलिए मैंने ना कहा था। Right. बकबक ज्यादा करती है, काम कम करती है। अच्छा ठीक है ठीक है, नाराज क्यों होते हो? क्या लिखना है? Wanted, dead or alive. Okay. Reward rupees 1 lakh. कॉलेज के ट्रस्टी को चंबल का डाकू बना डाला, किसने की ये हिमाकत? सर, ये तो पूजा की हैंडराइटिंग लगती है। पूजा? कहाँ है पूजा? हटो, क्या हुआ सर? Don't try to be smart. जिनकी बदौलत तुम इस कॉलेज की छत के नीचे खड़ी हो, उन्हीं को वांटेड कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो ये राइटिंग किसकी है? वो विजय ने लिखवाया था मुझे। ए लड़की, हाँ, वो कल अगर कहूँ कि कॉलेज के छत से कूद जा तो तू कूद जाएगी? व्हाट नॉनसेंस सर। अरे वेरी बैड सर, वेरी बैड। क्या सर? इस लड़की की शरारतों से तो नेशनल पार्क के बंदर भी शर्मा जाएंगे। सर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे कॉलेज को चिड़ियाघर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, चिड़ियाघर का चौकीदार मुझे नहीं बनना है। पूजा, कल तुम्हारे डैडी को कॉलेज में ले आना। डैडी, शांति प्रसाद एक बात सोच ले, कहीं तू गलती तो नहीं कर रहा? हो सकता भी दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो जो तुम्हें मुसीबत से बचा सके, लेकिन कौन हो सकता है? कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी? ढूंढने से तो आदमी को भगवान भी मिल जाता है। तू कोशिश तो कर, शायद तुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो तेरी मुसीबत दूर कर सके। हाँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, ऐसे मरना बुजदिली। नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा टॉमी, इसी तरह मैं कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। बचाओ बचाओ। ए ए ए, क्या कर रहे हो? अरे मेरे बाप, पहले पहले रस्सी तो खोल, मेरा दम घुट रहा है। अरे धीरे धीरे, ये रस्सी क्या कर रही है? अरे तुमने गांठ ही ऐसी लगा दी, खुली नहीं रही है।
क्या ऊंट सा कद है, सांड सा सीना, लगता टार्जन कपड़े पहनकर आ गया। भैया मेरी डूबती नैया के ना खुदा तुम ही हो सकते हो। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मेरा नाम शांति प्रसाद है, खंडाला के मशहूर विल्टन कसीनो का मैं मालिक हूँ। लगता नहीं हूँ, पर कुछ गुंडों ने घर दामाद बनकर मेरे उस कसीनो पर कब्जा कर लिया है। उनसे तंग आकर मैं खुदकुशी करने जा रहा था, पर ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। मेरी मदद करो, ऊपर वाला तुम्हें और ऊपर ले जाएगा। क्या? मेरा मतलब है ऊपर वाला तुम्हें और बुलंदी पर ले जाएगा। मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, शाम को फ्रेश मूड से काम करेंगे। सुनो ये फंदा बाहर निकालो। प्रेम अब तुम चले जाओ, भैया के आने का वक्त हो गया है। पता नहीं तुम्हारे भाई का आखिरी वक्त कब आएगा। सोनिया, सोनिया आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है सोनिया कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये हाथ, कहाँ है तुम्हारा हाथ, ये हाथ मेरे हाथ में नहीं दे सकता। उसे तुम्हारे ये ड्राइवर की नौकरी अच्छी नहीं लगती प्रेम, वो चाहता है मेरी शादी किसी पायलट से करे। पायलट? लेकिन पायलट भी तो ड्राइवर ही होता है सोनिया। अपने भाई को समझाओ सोनिया कि नीचे जमीन के एक्सीडेंट में ड्राइवर कभी कभार ही मरता है, समझी तुम सोनिया, लेकिन पायलट एक्सीडेंट में सीधा ऊपर ही जाता है। वो पायलट से तुम्हारी शादी करा के क्यों तुम्हें इतनी जल्दी विधवा बनाना चाहता है सोनिया। नहीं, नहीं। सोनिया आ गया गेंडा। सोनिया भैया आ गए। हेलो भैया, किससे बातें कर रही थी? मैं किसी से भी नहीं। टोकरी आवाज किसकी थी? वो टीवी चल रहा है, एमटीवी चल रहा था, टीवी टीवी एमटीवी चल रहा है। आपाजी आपाजी आई एम आपाजी, अंधेरी अंधेरी, रिटर्न टिकट लिया बोरी वली, बहन को ले जाऊंगा मैं तेरी, कंदी बिली कंदी बिली कंदी बिली। तो ये प्रेम टीवी का चैनल चल रहा था। वाह, अपने होने वाले बहनोई को क्या खूब पहचाना है साले। ये ड्राइवर का बच्चा डीजे बनकर एमटीवी में क्या कर रहा है? अरे ये क्या क्या, अरे ये छड़ी बाहर आ गई, अरे ये कैसे हुआ? अरे नहीं सोनिया, अपने भाई को समझा कि मुझे छोड़ दे, नहीं तो एक दिन को ऐसा होऊंगा कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। नहीं छोड़, घबराने की कोई बात नहीं है, देखना उन सालों की हड्डी पसली कैसे एक करता हूँ। डेड और चूहे कहाँ जो बिल में घुसे हैं? ए त्रिमूर्ति, क्या लगा रखा है सब अंदर? सामने वो आड़े तेड़े चेहरे देख रहे हो, उन्होंने मेरे कसीनो को अपने बाप का तबीला समझ लिया है और मेरी हालत गधे के धोबी के कुत्ते से भी बदतर कर दी। आप बेफिक्र रहिए सेठ जी, उन चूहों को तो मैं ऐसे मसल डालूंगा जैसे कसाई मटन का कीमा बनाता है। आप बस खड़े रहिए, मैं यूं गया और यूं आया। जाओ मेरे शेर जाओ। काश इस कसीनो में कोई कमेंटेटर होता तो मुझे सुपरहिट मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनने को मिलता। क्या आवाजें आ रही है। अबे ओ शेडो, तेरे किराए का ये छठा टट्टू था जिसे मार मार के हमने गधा बना दिया है, अब भी वक्त है। उधर जाओ और बेच दो अपना ये कैसीनो राणा के हाथों। हाँ मैं मर भी जाऊंगा तब भी राणा का ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। सर किसके सपने में टांग अड़ा रहे हैं आप? समझ गया, आज फिर राणा के हाथों आपका मोहरा पीटा गया है, लेकिन सर उसके लिए मेरे गालों को रसीद बुक समझकर क्यों ऑटोग्राफ देते रहते हैं आप? एक बात गांठ बांध ले, तुझे तनख्वाह राणा के बदले मार खाने की मिलती है, समझे? अब ले जा इस साले को। सर मेरे साले को साला मत कहिए। शट अप। ओके सर।